हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे कि जीआई टैग के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग लिस्ट को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट अबाउट जीआई टैग। जीआई टैग उस जगह के किसी प्रसिद्ध वस्तु को मिलता है उससे उस जगह का पहचान बनाने के लिए। जीआई टैग मिलने से उस वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन के तहत जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। और जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अब कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट जीआई टैग लिस्ट 2020 की। कंधमाल हल्दी को ओडिशा में, काजी नेमू को असम में, श्रीविल्लीपुत्तर पालकोवा को तमिलनाडु में मिला, कंडागी साड़ी को तमिलनाडु, डिंडीगुले ताले तमिलनाडु में, ईडू मिसमी टेक्सटाइल को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला, खोला मिर्च को गोवा में, तिरूर बेटल लीफ यानी कि तिरूर बेटिला को केरल में, गुलबर्ग तुर दाल कर्नाटक में, मिजो पुंची को मिजोरम में, पालनी पंचतीर्थम को तमिलनाडु में, कुर्ग अरेबिका कॉफी को कर्नाटक में, वायनाड रोबस्टा कॉफी को केरल में, और सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र में, कुल्लू साल को जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश में, कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश में, बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है बनारस में, सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु में, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है बिहार में, मगही पान को जीआई टैग मिला है बिहार में, शाही लीची को जीआई टैग मिला है बिहार में, जरदालू आम को जीआई टैग मिला है बिहार में, सिलवा खाजा को जीआई टैग मिला है बिहार में, छऊ मुखोटा को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल में, और अल्फासो आम को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र में। और अभी जो हाल ही में जीआई टैग मिला है ब्लैक राइस को मणिपुर में, टेरा कोटो को गोरखपुर में, कदलाई मिठाई को तमिलनाडु में, और कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर में। थैंक यू।